सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि स्वर्गीय ज्ञान क्या होता है। क्या स्वर्ग और पृथ्वी का ज्ञान अलग है? क्या स्वर्गीय ज्ञान की कोई अलग भाषा होती है? क्या इस स्वर्गीय भाषा को हर व्यक्ति समझ सकता है? तो आज हम लोग इन्हीं सब बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे कि स्वर्गीय ज्ञान क्या होता है और इसे हम कैसे प्राप्त करें। हम वचन पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक अध्याय 3 उसके 13 पद से 18 पद तक। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कार्यों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। परंतु यदि तुम्हारे हृदय में कटु ईर्ष्या और स्वार्थी आकांक्षा हो तो गर्व न करना और न सत्य के विरोध में झूठ ही बोलना। यह तो वह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, स्वाभाविक और सैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और स्वार्थी आकांक्षा होती है, वहाँ बखेड़ा तथा हर प्रकार की बुराई भी होती है। जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलनसार, कोमल, विचारशील, करुणामय और अच्छे फलों से लदा हुआ, स्थिर और कपट रहित होता है। मेल मिलाप कराने वाले उस बीज को जिसका फल धार्मिकता है मेल के साथ बोते हैं। तो आप लोग इस वचन के द्वारा समझ गए होंगे कि स्वर्गीय ज्ञान क्या होता है और सैतानी अर्थात सांसारिक ज्ञान क्या होता है। इन दोनों ज्ञान में जमीन और आसमान का अंतर है। एक तो दूसरों के लिए भलाई की बात करता है और दूसरा अन्याय, पाप से लदा हुआ है। जो सांसारिक ज्ञान है वो आपको कभी सत्य के मार्ग पर नहीं चला सकता है और ना ही सत्य की बातें बता सकता है और ना आपके हित में बात करने वाला है। ये जो पृथ्वी का ज्ञान है, इसमें आपको लगता है कि इसी में हमारा उद्धार, मुक्ति है, पर आपका ये पृथ्वी वाला ज्ञान केवल बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, बाकी इसके बस का कुछ नहीं है। ये खुद तो अन्याय, पाप, अहिंसा पर चलेगा ही और आपको भी ले जाने की कोशिश करेगा। यदि आपको वचन का ज्ञान है, प्रभु यीशु मसीह की बातें याद हैं, तो ये सांसारिक कलंकित शक्तियाँ कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि हमारा सहायक, इस सृष्टि का रचनाकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। सांसारिक कलंकित सैतानी शक्तियों के चलाए चलने वाले व्यक्तियों का ज्ञान ईर्ष्या, स्वार्थी आकांक्षा और इसी प्रकार तरह तरह के बुराइयों से भरा ज्ञान होता है। यदि आपके अंदर ऐसा दिखता है तो अभी समय है, संभल जाइए, वरना नाश तो होना तय है। और अब हम समझते हैं कि स्वर्गीय ज्ञान के बारे में ये वचन क्या कह रहा है। जो ज्ञान ऊपर से अर्थात स्वर्ग से आता है, जब हम उसके चलाए चलते हैं तो क्या फल दिखता है? जो हमारी शरीर का फल नहीं परंतु आत्मा का फल होगा, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, विचारशील, करुणामय और अच्छे फलों से भरा हुआ, स्थिर और कपट रहित होता है। मेल मिलाप कराने वाले उस बीज को जिसका फल धार्मिकता है मेल के साथ बोते हैं। प्रभु यीशु मसीह को आपसे ये उम्मीद है कि आप स्वर्गीय ज्ञान के अनुसार चलेंगे। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।